भारत और श्रीलंका के बीच टी20 सीरीज के पहले मुकाबले में एक बेहद ही अनोखा नजारा देखने को मिला। दरअसल श्रीलंका के एक गेंदबाज को दोनों हाथों से स्पिन बॉलिंग करते देखा गया। उसने दाएं हाथ के बल्लेबाज को बाएं हाथ की स्पिन और बाएं हाथ के बल्लेबाज को दाएं हाथ की स्पिन गेंदबाजी की। ऐसा करने वाले क्रिकेटर का नाम कमिंदु मेंडिस है। वह श्रीलंका के ऑलराउंडर है। उन्हें 3 मैचों की सीरीज के पहले टी20 में टीम इंडिया के खिलाफ दोनों हाथों से गेंदबाजी करते देखा गया। उन्होंने ऐसा करके सबको हैरान कर दिया। भारत वर्तमान में 3 टी20 और उतने ही वनडे के लिए श्रीलंका का दौरा कर रहा है। मेंडिस श्रीलंका की अंडर 19 टीम की वर्ल्ड कप में भी कप्तानी कर चुके हैं।